हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल को लाइव में। सो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीसी और एटोम के ऊपर, और ईटीसी यानी कि इथेरियम क्लासिक का क्या कुछ कंडीशन है और एटोम का क्या कुछ कंडीशन चल रहा है उसका हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे अभी का क्या कुछ कंडीशन है, क्या अभी हमारा पोजीशन किस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो सकता है या फिर हमारा जो पोजीशन बना हुआ है वो किस तरफ जा सकता है। सो उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देंगे आप सभी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मिलते हैं इंट्रो एंड डिस्क्लेमर के बाद। सो टेर, सबसे पहले हम बात कर लेंगे इथेरियम क्लासिक की। तो यहाँ पे देख सकते हो इथेरियम क्लासिक का जो कंडीशन अभी बना हुआ है वो अभी बेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। और टेरस यहाँ पे ये यह अच्छा खासा ग्रोथ के बाद एक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया है यहाँ पे, और देखते हैं मार्केट का क्या कुछ कंडीशन बनता है कि यहाँ पे सस्टेन कर जाता है या फिर यहाँ से फिर बाउंस बैक करता है, क्योंकि बाउंस बैक करता है तो फिर मार्केट का अगला जो अपना रेजिस्टेंस है वो यहाँ तक का है। ओके, तो आप एक एरिया भी चूज़ कर सकते हो लगभग इस एरिया को। ओके, तो यहाँ पे जब आप एक एरिया को चूज़ करते हो तो तब एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्क हो जाता है, क्योंकि एक लाइन में रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक बॉक्स के अंदर भी हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी एग्जिट कर जाए या फिर हो सकता है कि इस ऊपर वाले रेंज में ये जाके फिर एग्जिट करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे ये दो सिनेरियो बन सकता है, और अभी का जो कंडीशन है यहाँ पे ये बाउंस करने का चांसेस बहुत ज़्यादा इस एरिया में है, और अगर इस एरिया में नहीं करता है तो हम डेफिनेटली यहाँ तक के लिए हम वेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इसका जो सपोर्ट रेंज है ये लास्ट लास्ट यहाँ तक का है। फिर उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे ये नीचे आ सकता है। तो आगे का मोमेंटम क्या कुछ होगा उसके लिए तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और मार्केट के एनालिसिस को अगर हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत सीखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, तो देखिए मार्केट किस तरीके से ग्रो करता है, आपको मैं सिंपल वे से बताता हूँ। जैसे कि ये नॉर्मली मार्केट है, ऐसे हायर हाई बनाता जाएगा मार्केट। ओके, ऐसे हायर हाई बनाता जा रहा है, लेकिन ये एकदम नॉर्मल है। इस तरीके से मार्केट ग्रो नहीं करता है। मार्केट ग्रो करता है किस तरीके से, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे। ओके, तो मार्केट इस तरीके से ग्रो करता है और ये रियलिटी है। ओके, क्योंकि हर कोई अगर टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है तो नॉर्मल वे पे सिखाता है, क्योंकि ये नॉर्मल वे जो है इसका मोमेंटम बहुत ही कम आता है। जो रियलिटी होता है वो यही होता है, और रियलिटी के हिसाब से हमें टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर इसको हम अच्छे ध्यान से देखें और हमारे आँखों को ट्रेन करते रहें तो डेफिनेटली इसको भी सॉल्व करना उतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सो ये मैं आप लोगों को किस लिए दिखाया, क्योंकि ये जो एटम का पोजीशन है ये लगभग कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पे देख सकते हो ओके, मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम किया है। आपको मैं एकदम पहले से दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा एक जो पोजीशन क्रिएटेड है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 23% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट अगर होता है तो हम इतने में प्रॉफिट करके निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम बॉक्स के अंदर सोचें कि हम एक बॉक्स के अंदर रहेंगे तो डेफिनेटली बॉक्स यहाँ तक है, और हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ पोजीशन बनता है। फ़िलहाल हमारा टारगेट यहाँ तक है, और यहाँ पे अगर पोजीशन कुछ गड़बड़ दिखता है तो हम यहाँ तक के लिए एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अभी का क्या कुछ कंडीशन है, देखिए मैंने जो सिनेरियो आप लोगों को दिखाया उस सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट जो रियलिटी है वही मैं आप लोगों को दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा,
यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने हायर हाई बनाया था, लेकिन यहाँ पे लो बनाया, दोबारा मार्केट ने हायर हाई बनाया और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक लो, यहाँ पे एक लो, यहाँ पे एक हाई, यहाँ पे एक हाई। सो देख सकते हो मार्केट का क्या कंडीशन है। ओके सो ये चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो एनालिसिस है उसके बारे में मैं शेयर कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है जो रियलिटी बेस्ड होता है। क्योंकि एक नॉर्मल बेस्ड जो होता है वो हर कोई बता सकता है या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन जो रियलिटी बेस्ड वेब्स होता है उसमें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी में प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। सो ट्रेडर्स, अगर आप लोग भी ये दो कॉइन को फॉलो करते हो तो कोशिश उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को भी थोड़ा बहुत सिनेरियो को पता चल गया है कि किस तरीके से यहाँ से ये मार्केट ग्रो कर सकता है, और हम आगे के लिए वेट करेंगे कि आगे क्या कुछ सिनेरियो बनता है, उसका भी अपडेट आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में ज़रूर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, और जो भी कुछ अपडेट आता है उसको ज़रूर देखिए। छोटे से अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली इसको लाइक किया कीजिएगा, और जो भी कुछ आपका सवाल रहता है और जो भी कुछ आपके क्वेरीज आपको ज़रूरी है जानना तो डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नए वीडियोस में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।